माँ। ये दे, ये लगिन पूजा के सामान ला, समधी गरम रा के आ जाबे हैं। ठीक है माँ, अभी बाना भौजिल मिलके घलो आ जाऊंगा। मालकिन, एमन काजल बेटी ससुराल ले आए हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ बेटा गोवर्धन, इनको अंदर लेकर आओ। ये लगिन पूजक सामान है, माँ भेजी से। जी तेरा खुश। बैठो बेटा बैठो। गोवर्धन जी, ये सामान अंदर रख कर आओ, और नाश्ते पानी का इंतजाम भी करना। काजल को यहीं भेज दो। हाँ मालकिन। और बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मोर नाम किशन है, राम भी सबले छोटे भाई हो। अच्छा। बरसों ले आन भौजिल मिले बर। अरे ये कच्छा लेकर कहाँ तक जा रहा है? रख यहीं पर। बाहू, लगिन का सामान है, अंदर ले जाकर देखो। इसमें देखना क्या है माँ जी, हल्दी चूना ही तो है, कोई खजाना थोड़ी रखा है। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, नाश्ता आ रहा है। खाए पिए हमारा कोई कमी नहीं है, बिहाम आबो तो खवा दू। ऐसे कैसे जा रहे हो, अपनी भाभी से तो मिल लो बेटा। बारात लेके आबो तो मिल लो। आओ वैसे भी कौन सा खजाना लगे खर्चे राम चल। चंदा के माँ, ओ चंदा के माँ। का है? ये दे, बिहाव के नेवता है। कहाँ दे? गोविंद राम जी के कर ले। हाय माँ, कतिक सुंदर है, बड़ मजा है काजल दीदी के शादी माँ। बाबूजी कब जाओ बताना। कोई जरूरत नहीं जाए के। काबर? काबर का जैसे जाना नहीं, वो गणेश राम मोला फूटी आँखी नहीं सुहाए, और ओकर बेटा संग मराए अपन बेटी के ब्याह ला। ता कहल गोविंद राम और सख फूफू के लड़का है, ओकर बेटी के ब्याह में नहीं जाबो ता कते बुरा मानी, और रिश्तेदारी माता मरनी हरनी भर ब्याह में जाइस ला पड़े। हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया। तुम भी उसी गांव में रहती हो ना? हाँ दीदी। तब तो तुम किशन को बहुत अच्छे से जानती होगी। किशन? हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक नंबर का लफूट है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। हर ओवर चुरपुर वो रही, आज तो भारी बट बटावा था, ऐसे लगा जैसे तरज भी आवाज है। चुप रहे, मत मटाबो नहीं तब मूला और माँ के बैठे रहो। ते एक जन नहीं है और बहुत जन है देखो। वाह, एक तो दो तलल के जला देखा मैं, वो गुब्बी के मोरे करावे। चुप रे मेच का, ज्यादा उचक जन तोर कर आऊं तो चपका आ जाबे, ते मोला का संभाल पावे। वाह रे चंदेली मछली, देखा मैं तो बड़े बड़े वेलो सार्क मछली संभाल लेता हूँ, और ये किली ना ताजो सब भोजन मड़वा तैयार है, एक के को बस सब भोजन ला निपटा दे। छिदरी बढ़ते सब चलो रे हले। इधर आओ, अंधे हो क्या? तुम्हें कचरे का डिब्बा दिखाई नहीं देता? ते हाथी गवार कहीं के, अपनी झूठी प्लेट उठाओ इस डिब्बे में डालो। नहीं काका, प्लेट ना हाथ छल लगा बे, हमन परतियान ककरो बाप के नौकर न हन। ए मिस्टर, तमीज से बात करो, एक तो खाने का सऊर नहीं है, ऊपर से बदतमीजी करते हो। अच्छा तो हमन लग खाए के सऊर नहीं है? अरे सही बात तो ये है कि तुम लग खवाए के सऊर नहीं है, बस फेलो सिस्टम रखे हो, बैला भैंसा के बर्दिया संग खाना खवाता। अरे अतक तमीज वाले आ तब मांदी बैठा, अपन हाथ से परोस के खवा। बहू ये क्या तमाशा हो रहा है? देखो ना बाबूजी, एक तो जानवरों के जैसे खाते हैं, झूठा पेड़ कहीं भी फेंक देते हैं, जरा सा मैंने कह क्या दिया, कहते हैं खाना परोस के खिलाओ। अच्छा अब हमन जानवर? अरे कोई खाना हाथ मत लगा, अब तो यही परोसी तरज खावो। ए किसान चुप, तोला छोटे बड़े के लिहाज है कि नहीं रे? हाँ? चुपचाप खाना खा और बने ढंग ले पर ब्याह वाला निपटन दे। नहीं समझी जी, किशन ठीक कह रहा है, बहू बरातियों को परोस कर खिलाएगी, मैं और इनको खाना परोसूंगी, परोसेगी मेरी जूती। बहू चल रे, जल्दी जल्दी तोला पतरी लगा। पतरी बने रे, बने भैया, खाना बने रे, बने भैया, और खाना देने वाली बने रे, अब हूँ बने हो गए भैया। ओम विश्वदेवाचे माध्यंतान्यम जन्यासन ओम।